मान जी शिविर निदेशक डॉक्टर एमएम गुप्ता जी आयुक्त सेंट जॉन एम्बुलेंस एंड मास्टर ट्रेनर प्राथमिक सहायता राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली सर महेश गुप्ता जी जिला सचिव जज्जर डॉक्टर अंगदा जी प्रिंसिपल एमडीएसवी कॉलेज अम्बाला डॉक्टर दिनेश चहर जी डॉक्टर रेणु यादव जी जिला प्रशिक्षण अधिकारी हिसार पंचकूला करनाल जज्जर सिरसा नारनौल और श्रीमान टेकचंद जी जिन्होंने अभी मंच संचालन कर रहे हैं। इतनी आवाज़ कड़क आवाज़ की माइक की ज़रूरत नहीं है इनको। जिस दिन मैंने कार्यभार संभाला 6 दिसंबर 2016 को इन्हीं से रूबरू होने का मौका मिला। मैंने कहा जैसी आवाज़ इनकी है तो ऐसी ही हमारी संस्था है और उससे मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो हमारे प्रांत की की पर्सन्स हैं, खिलते हुए चेहरे हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं विगत 6 महीने ही मुझे हुए हैं अभी दायित्व लिए हुए। मैं बहुत कम रेड क्रॉस के सेंट एम्बुलेंस के संपर्क में रहा, प्रैक्टिस में था। भारतीय द्वारा परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य संस्थाएं, अनेकों संस्थाओं में काम किया, मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया। तो मुझे आदेश हुआ कि आपने रेड क्रॉस संभालना है। तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझसे एक दिन पहले ही हमारे प्रांतीय सचिव जी ने, महासचिव जी ने दायित्व संभाला और मिलकर के हम काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा कदम कदम पर सहयोग इनका मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में मैं 10 डिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ और मेवात, जिसके मैंने आज तक दर्शन नहीं किए थे, वहाँ तक भी पहुँच के आया हूँ। मैं झज्जर में 2 बार जाया है मैं और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रहे हैं उनमें भी अभी प्रयास करूँगा कि आने वाले समय में उनसे मिल कर के आऊँगा। काम करने की बड़ी शक्ति है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार्यकर्ता हैं, स्टाफ है, पर थोड़े बुझे मन से कार्य रेड क्रॉस के अंदर और सेंट जॉन एम्बुलेंस के अंदर हो रहा है। अभी 8 मई को भी गवर्नर साहब ने स्टेज से कहा कि हमें सभी 6000 गांवों में पहुंचना है और मैं उनसे मिला था तो तब भी उन्होंने कहा था ब्रिगेड की रचना जो है इसको वास्तविक रचना बनाई जाए सेंट जॉन एम्बुलेंस के अंदर और हर ग्राम के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर ब्रिगेड की रचना हो। और कोई प्राकृतिक आपदा आती है, नेशनल डिजास्टर आता है, पर वैसे तो भगवान की कृपा है कि हरियाणा में ऐसे अर्थक्वेक वगैरह कोई ऐसी आपदा कम ही आती हैं। पर जितने मेले वगैरह लगते हैं, ट्रैफिक का संचालन है, ट्रैफिक वीक मनाते हैं हम, कोई हरियाणा हमारा सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, तो कितने बड़े बड़े मेले लगते हैं उनके अंदर हम वेल ड्रेस्ड होकर के सेवा करें, प्राथमिक चिकित्सा के कैंप लगाएं, फर्स्ट एड के कैंप लगाएं वहाँ पर, तो कितना अच्छा लगेगा। तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि हम ब्रिगेड की सोचते हैं और कैंप्स की सोचते हैं, कार्य करने की सोचते हैं, थोड़ा सा ढिलाई है हमारे अंदर। ब्रिगेड की रचना तो बन जाती है, कई बार कागज़ों पर काम होता है, जो मेरा अपना अनुभव है ये। पर स्टाफ हमारे पास बहुत अच्छे हैं, सचिव हमारे कितने यंग हैं, कई जिलों के अंदर उन्हें काम करने की शक्ति है, ताकत है। हमारे पास बजट हैं, हमारे स्टेट के पास बजट हैं, तो क्यों नहीं ये काम हो रहा। अभी हम समाज के अंदर बात करते हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस, कहते क्या होता है ये रेड क्रॉस, कई मिनिस्टर से बात होती है। हमारे पीछे अभी एक मीटिंग थी मंत्रिमंडल के साथ, MLAs के साथ, वहाँ कईयों ने पूछा कि आप बाकी समय में क्या करते हो, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हो और क्या करते हो। देखिए समाज तक जानकारी नहीं है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, अब की बार हमारा नारा भी है ये एवरीवन एवरीवेयर, हम नीचे तक जाएं, समाज तक जाएं और उनके दुख दर्द को बांटें। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि किसी को हम किसी प्राणी के अंदर कष्ट देखते हैं और आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव जागता है तो वो देशभक्ति का पहला लक्षण है, ये भी एक देशभक्ति है। सीमा पर जवान रक्षा कर रहा है, समाज में हमने रक्षा कर ली। हम रूट लेवल तक जाएं,
हमारे काम जो है, हमारे काम की पहचान बने, इस बात से सब सहमत होंगे कि हमारे काम की पहचान नहीं है। तो आज मुझे मौका मिला है, आप सब बैठे हैं, प्रांत की की पर्सन बैठे हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, कि हमें अपनी पहचान बनानी है कि हम क्या करते हैं। अपनी कैप वगैरह लगाते हैं, हम केवल फंक्शंस के अंदर लगाते हैं, रोड सेफ्टी वीक के अंदर हम चौक चौराहे के ऊपर खड़े हैं और रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं और वहाँ पे बूढ़ों को, बच्चों को सड़क पार करवा रहे हैं, तो कितना अच्छा दृश्य वो उपस्थित होगा। और ब्रिगेड के लिए भी हम कोई लक्ष्य निर्धारण करें, अपने अपने जिले के अंदर कितनी ब्रिगेड बनानी है, कितने एफपी बनाने हैं, कितने उसके अंदर युवा लेने हैं। जब तक हमें लक्ष्य नहीं निर्धारण करेंगे तो कुछ नहीं है। वो लक्ष्य कहते हैं ना, वो बिन जैसे एक चिट्ठी होती है उसके ऊपर पता ना लिखें, उस चिट्ठी के माफिक, उस लिफाफे के माफिक हमारा काम रहेगा कि अपने गंतव्य तक वो लिफाफा कभी पहुंचेगा ही नहीं, जिसके ऊपर एड्रेस ही नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है। तो हम एक लक्ष्य को निर्धारण करें कि कितना काम करना है हमने इस आने वाले वर्ष के अंदर, इतनी ब्रिगेड बनानी है। अभी 6 महीने का तो थोड़ा लक्ष्य रखें, 4 महीने में इतनी बनानी है, अगले उसके अंदर इतनी ब्रिगेड बनानी है, कितने लोगों से रूबरू होना है, उनसे कितने उनकी वर्किंग करवानी है, अपने जिले के अंदर उनको बुला करके उनके साथ इंटरेक्शन करनी है। तो ऐसे काम होने चाहिए। एक बार ब्रिगेड बना दी, कागजों में बन गई और उनसे कभी वार्तालाप नहीं हुई, कभी काम नहीं हुआ, उनसे रिफ्रेश, जैसे आज आप रिफ्रेश हो रहे हो, एक ट्रेनिंग ले रहे हो, एक नई नई जानकारियां ले रहे हो, आप आगे भी इसको नई नई जानकारियों को बांटें, तभी काम करने का हमें एक अच्छा फल मिलेगा। मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा कि पिछले 1 महीने के अंदर अपने में से कितनी ब्रिगेड्स ने कोई काम किया है, कोई सामाजिक काम किया हो जिससे पहचान बनी है, कोई हाथ उठा करके कोई बताएगा। सर, हमने रोड सेफ्टी के अंदर प्रोग्राम बनाया था कॉलेज के अंदर, और हमने वहाँ पर सिरसा जिले से सर, हम वहाँ रोड पे गए और बच्चों से एक हमने वहाँ पर नाट्य, लघु नाट्य का हमने तैयार